हाय एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माइनटीन कल आज के इस वीडियो में हम लोग सेकंड क्लास मैजा सर्टिफिकेट और फर्स्ट क्लास मैजर सर्टिफिकेट के लिए इंपॉर्टेंट एमसीज को डिस्कस करने वाले हैं जो सी ई ए आर टू के ऊपर बेस्ड होंगे जी हाँ सी ए आर टू के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड होंगे क्योंकि सी ई ए आर दो जो है वो रिपील हो गया है वो अब नहीं है इसको रिप्लेस कर दिया गया है बाई सी ए आर टू तो सबसे पहला सवाल आज के इस वीडियो का रहेगा फ्लेक्सिबल केबल आर डिजाइन टू फ्लेक्सिबल केबल का जो डिजाइनिंग है ऐसा कैसा रहता है इसमें पूछा गया है सिंगल सॉलिड कोर सिंगल सॉलिड कोर होता है बी मेड ऑफ रिजिट मेटीरियल से बना होता है एक एक ज्यादा कोर से बना होता है और इनको ग्रुपिंग करके फ्लेक्सीबिलिटी जो है बढ़ाने के लिए इसको बनाया जाता है ऑप्शन नंबर डी है यूज नॉन इंसुलेटिंग मेटीरियल तो इस सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी फ्लेक्सिबल केबल वैसा केबल होते हैं जिनमें एक या एक से ज्यादा कोर्स होते हैं उनको ग्रुपिंग जाता है इन को टू फ्लेक्सिबिलिटी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है क्वेश्चन थ्री हैंड हेल्ड पोर्टेबल ऑपरेटर्स इज करेक्टराइज बाई हैंड पोर्टेबल जो ऑपरेटर्स होता है उनमें से क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑप्शन नंबर ए परमानेंट इंस्टॉलेशन इन फिक्स्ड पोजीशन यानी इनका जो इंस्टॉलेशन है वो परमानेंटली होगा एक फिक्स पोजीशन पे ऑप्शन नंबर बी है मूवेबिलिटी ड्यूरिंग यूज एंड बींग हेल्ड इन हैंड यानी जब आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तब इसको आप मूव भी कर सकते हैं और हाथ में इसको पकड़ भी सकते हैं यानी हाथ में पकड़ कर इसको यूज करते हुए आप इसको इधर से उधर दूसरे जगह पे आप मूव कर सकते हैं सी में है स्टेशनरी ऑपरेशन यानी जो काम करेगा जो ऑपरेशन होगा वो स्थिर रख कर ही किया जाएगा एक ही जगह पर फिक्स होकर ये करेगा और ऑप्शन नंबर डी है कि बैटरी ऑपरेशन एक्सक्लूसिवली यानी बैटरी से ही ऑपरेट होगा तो हैंड हेल्ड जो एपरेटस होता है उसका करेक्टरिस्टिक यही होता है कि आप हाथ में उसे लेकर के यूज कर सकते हैं और उसे मूव कर सकते हैं यानी ऑप्शन नंबर बी होगा नेक्स्ट जो सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर फोर जिसमें पूछा गया है कैन इंटिजिकली सेफ सर्किट इज वन दैट ठीक है इंटिजिकली सेफ सर्किट कैसा होता है ऑप्शन नंबर ए प्रोड्यूसर्स हीट टू इग्नाइट गैस एटमोस्फेयर यानी हीट जो है प्रोड्यूस करता है जिससे गैस एटमोसफेयर को इग्नाइट कर सके प्रिवेंट स्पार्क अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन यानी स्पार्क को जो है रोकेगा चिंगारी पन्न से रोकेगा स्पेसिफाइड कंडीशन में मेटालिक मेटालिक आर्मरिंग आर्मरिंग कंटेन करेगा या फिर रिक्वायर्स मैनुअल इंटरप्शन ड्यूरिंग डूरिंग यानी फॉल्ट के दौरान जो है मैनुअल इंटरप्शन का जरूरत इसमें पड़ेगा तो सर्किट का मतलब होता है ऐसा सर्किट जिससे निकलने वाला स्पार्क इतना कमजोर होगा जिससे गर्म गैस में आग नहीं लग सकता है तो ऑप्शन नंबर बी होगा क्या प्रिवेंट स्पार्क अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जो अपना सेफ जो सर्किट होता है वो ऐसा सर्किट होता है कि जब उसका जो कंडीशन है जब ये नॉर्मल कंडीशन पे हो या फिर कुछ जो मेंशन फॉल्ट कंडीशन है उस कंडीशन में ऑपरेट होते समय उससे अगर स्पार्क निकलता भी है तो स्पार्क का जो इन इंटेंसिटी है इतना कम होगा जिससे चाहे कितना भी गर्म गैस आसपास मौजूद हो उसमें आग नहीं लग सकती है तो वैसे सर्किट्स को हम लोग कहते हैं इंक्रीजिंगली सेफ सर्किट आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जो कि है ट्रांसपोर्टेबल एपरेटस डिफर फ्रॉम पोर्टेबल एपरेटस बिकॉज इट जो ट्रांसपोर्टेबल एपरेटस हैं वो पोर्टेबल ऑपरेटस से जो है डिफर करते हैं दोनों में अंतर है क्यों ऑप्शन नंबर ए ट्रांसपोर्टेबल एपरेटस पोर्टेबल एपरेटस से अलग है क्यों क्योंकि ऑप्शन तो नंबर ए ट्रांसपोर्टेबल एपरेटस लाइट वेट और पोर्टेबल होता है ऑप्शन नंबर बी कैन बी रेडली मूव बिटवीन लोकेशंस उनको एक लोकेशन से दूसरा लोकेशन पे आप जो है लेके जा सकते हैं ऑप्शन नंबर सी स्टेशनरी एंड इज डिजाइड फॉर अंडरग्राउंड यूज ट्रांसपोर्टेबल ऑपरेटर्स हैं वो स्टेशनरी होते हैं जगह फिक्स होकर ऑपरेट करते हैं और अंडरग्राउंड यूज के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं और ऑप्शन नंबर डी है ऑपरेट्स एट लेस देन वन ट्वेंटी फाइव वोल्ट यानी ट्रांसपोर्टेबल ऑपरेटर्स एक सौ पच्चीस वोल्ट से कम वोल्ट पे ऑपरेट होते हैं तो देखिए ट्रांसपोर्टेबल एडवर्टेज का यहाँ पे आपको क्या चीज़ आपको सही लग रहा है देखिए लाइट वेट और पोर्टेबल तो ट्रांसपोर्टेबल एडवर्टाइस होता नहीं है लाइट वेट नहीं होता है ट्रांसपोर्टेबल एपर्टेस और साथ ही साथ पोर्टेबल भी नहीं कहेंगे हम इसे स्टेशनरी जो है आ, यूज के दौरान तो होता है पर इसको आप मूव कर सकते हैं लेकिन ये अंडरग्राउंड यूज के लिए ठीक है इसको डिज़ाइन किया जा सकता है अंडरग्राउंड में इसका, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन इसमें क्या बोला नॉट डिज़ाइन तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा एक वोल्ट से कम में ऑपरेट होता है ये, ये भी सही स्टेटमेंट नहीं है तो क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट right आंसर होगा क्योंकि इसमें बोला गया है कि इसको आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं तो यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर फाइव का अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अगला सवाल है द तो मैक्सिमम वोल्टेज सप्लाइड अलाउड इन ब्र माइंस इज यानी ब्र माइंस है भूमिगत खदान है उसमें अधिकतम आप कितना वोल्टेज सप्लाई कर सकते हैं सिक्स पॉइंट सिक्स के बी इलेवन के बी सिक्स सिक्सटी वोल्ट या फिर वन ट्वेंटी तो right होगा वो होगा चलिए सवाल की तरफ बढ़ते हैं अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर सेवन वोल्टेज लिमिट्स फॉर हैंड हेल्ड पोर्टेबल अपरेटिस के लिए जो वोल्टेज लिमिट है वो कितना है तीस वोल्ट एक सौ पैंतीस वोल्ट पांच सौ पचास बोल्ट या फिर ग्यारह हजार फोर्ट इस सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी 125 वोल्ट हैंडहेल्ड पोर्टेबल जो है जो अपरेटस होता है उसका जो मैक्सिमम वोल्टेज लिमिट है वो 125 वोल्ट होता है अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर एट इसमें पूछा गया है कि जो मैक्सिमम अर्थ फॉल्ट करंट होगा ऐसे इंस्टॉलेशन ऐसे मशींस के लिए सिलेक्ट करें मशींस के लिए जो 11 केवी तक ऑपरेट करता है किसी ओपन कास्ट माइस में तो उसमें बताना है कि उसका मैक्सिमम फॉल्ट अर्थ फॉल्ट करंट क्या होगा 50 एंपियर 750 मिली एंपियर 30 एंपियर या फिर 10 एंपियर इस सवाल का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 50 एंपियर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर पोर्टेबल हैंड ंडल इन माइन शुड ऑपरेट एट एन वोल्टेज नॉट यानी जो पोर्टेबल हैंड लैंप्स होते हैं देखिए यहाँ पे पोर्टेबल दो आता है एक हैंड हेल्ड पोर्टेबल हेल्डेबल और एक होता है पोर्टेबल हैंड लैंप्स हैंड हेल्ड पोर्टेबल अपरेटस एक वोल्ट से ज्यादा आप ऑपरेट नहीं करते हैं लेकिन जो पोर्टेबल हैंड लैंप्स होते हैं वो तीस वोल्ट से ज्यादा ऑपरेट नहीं करते हैं तो यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर अगले सवाल की तरफ जाते हैं क्वेश्चन नंबर टेन द मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एन अर्थिंग सिस्टम अर्थिंग सिस्टम कंडक्टर मस्ट भी जो कंडक्टर होगा अर्थिंग सिस्टम का उसका जो मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया होगा मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया वो कितना होगा जीरो पॉइंट सेंटीमीटर स्क्वायर जीरो पॉइंट वन फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर जीरो पॉइंट टू सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर जीरो पॉइंट फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर तो इस सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी जीरो पॉइंट वन फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर अगले सवाल पे आते हैं फ्लेक्सिबल केबल ठीक है क्वेश्चन नंबर फ्लेक्सिबल केबल्स फॉर पोर्टेबल पोर्टेबल मस्ट बी जो portable apparatus होते हैं उनके फ्लेक्सिबल केबल कैसे होंगे सिंगल कोर केबल होंगे टू कोर या मल्टी कोर केबल्स होंगे ओपनली वायर्ड होंगे या फिर ओनली फॉर अब ग्राउंड यूज के लिए होंगे तो जो फ्लेक्सिबल केबल होंगे फॉर पोर्टेबल एपरेटर्स वो दो कोर या मल्टी कोर केबल्स होंगे यही हमारा इस सवाल का सही उत्तर है अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर द मैक्सिमम लेंथ ऑफ फ्लेक्सिबल केबल फॉर कोल कोल कटिंग कटिंग मशीन मशीन इज जो होता है उसमें जो फ्लेक्सिबल केबल यूज होता है उसकी मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकती है सौ मीटर ढाई सौ मीटर पांच सौ मीटर या फिर एक हजार मीटर इस सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी टू हंड्रेड फिफ्टी मीटर कोल कटिंग मशीन जो इस्तेमाल होते हैं भूमि के फिलहाल में उनकी फ्लेक्सीबल uh, केबल की मैक्सिमम लेंथ टू मीटर होगी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन है फॉर सर्किट एक्सीडिंग डैश फ्लेक्सिबल केबल अटैच और ट्रांसपोर्टेबल ऑपरेटर्स मस्ट है फ्लेक्सिबल मेटालिक स्क्रीनिंग और प्लायबल आर्मरिंग बोला गया कि ऐसे सर्किट जिसका वोल्टेज कितना से ज़्यादा हो जाने पे जो भी फ्लेक्सिबल केबल अटैच होंगे ट्रांसपोर्टेबल ऑपरेटर से ठीक है तो उनका जो केबल जो फ्लेक्सिबल केबल होगा फ्लेक्सिबल केबल में क्या करना पड़ेगा फ्लेक्सिबल मेटालिंग का स्क्रीनिंग करना पड़ेगा या प्लायबल आर्मरिंग करना पड़ेगा तो आपको बताना है कितना से ज्यादा ठीक है वोल्टेज हो जाएगा सर्किट्स का तब जो है फ्लेक्सिबल केबल में आपको क्या करना पड़ेगा फ्लेक्सिबल फ्लेक्सीबल स्क्रीनिंग या प्लायबल आर्मरिंग करना पड़ेगा 250 वोल्ट 130 वोल्ट 30 वोल्ट या 660 वोल्ट तो जो सही उत्तर है इस सवाल का वो है 250 वोल्ट ऑप्शन नंबर ए अगले सवाल की तरफ आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इसमें पूछा गया है कि फॉर फ्लेक्सिबल केबल विथ वोल्टेज एक्सीडिंग सिक्स फिफ्टी वोल्ट बट नॉट एक्सीडिंग इलेवन के बी ठीक है विच टाइप ऑफ कनेक्टर साल बी यूज्ड बोला गया फ्लेक्सिबल केबल जिसमें जो वोल्टेज है वो छः सौ पचास वोल्ट से तो ज़्यादा होता है लेकिन ग्यारह के से ज़्यादा नहीं हो तो वैसे फ्लेक्सिबल केबल में किस तरह का कनेक्टर का इस्तेमाल होगा सोलर ज्वाइंट कनेक्टर वोल्टेड टाइप कनेक्टर ओपन वायरिंग कनेक्टर या ट्विस्ट टाइप कनेक्टर इस सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी टाइप कनेक्टर्स अगले सवाल की तरफ आते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है द मैक्सिमम मैक्सिमम द लेंथ ऑफ फ्लेक्सिबल केबल फॉर बकेट विलेक्स का ठीक है ऑफ इलेवन के बी इज जो बकेट विलेक्स का होता है ठीक है जो 11 केवी तक जो वोल्टेज ऑपरेट होता है उसका जो फ्लेक्सिबल केबल है उसकी मैक्सिमम लेंथ क्या होगी 600 मीटर हजार मीटर बारह सौ मीटर या आठ सौ मीटर इस सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी एक हजार मीटर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इन फर्स्ट डिग्री गैसीनेस कोलिम फ्लेम प्रूफ इनक्लूजर आर रिक्वायर्ड फॉर ठीक है ठीक है है बोला गया कि फर्स्ट डिग्री सिम जो है किसी माइंस का तो फर्स्ट पर, पर आपको लगाना ही पड़ेगा फ्लेम प्रूफ उपकरण ठीक है ऑप्शन नंबर ए ऑल ऑपरेटर्स यूजेस सर्फेस पे इस्तेमाल होने वाले सभी ऑपरेटर्स में ऑप्शन नंबर बी ऑल ऑपरेटर्स लाइंग इन द इन बाई वेंटिलेशन कनेक्शन लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन होगा उसका इनबाई में जितने भी अप्रैटस होंगे वो सब फ्लेम प्रूफ एंड होने चाहिए ऑप्शन नंबर सी इस माइस में जितने भी ट्रांसपोर्टेबल अपरेटर्स हैं ठीक है सिर्फ उसमें फ्लेम प्रूफ एंड होना चाहिए और ऑप्शन नंबर डी है नॉरम तैयार तो इस सवाल का सही उत्तर है कि अगर फर्स्ट देखिए माइंस है तो जो फ्लेम प्रूफ उपकरण का जो बाध्यता है कि आपको लगाना ही पड़ेगा फ्लेम प्रूफ उपकरण तो वो सभी अप्रेटस में लगाना होगा जो वेंटिलेशन लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन के इनबाई में है इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 17. थर्ड डिग्री सिम द फ्लेम क्लोजर मस्ट बी यूज विदिन थर्ड डिग्री गैसे सिम में जो फ्लेम प्रूफ उपकरण है ठीक है किस कितने दायरे के अंदर उसका इस्तेमाल हो जाना चाहिए थर्ड डिग्री गैसे में वर्किंग फेस या गोप से 90 मीटर के अंदर वर्किंग फेस से गोप के 270 मीटर के दायरे के अंदर वर्किंग फेस से गोप के डेढ़ सौ मीटर के अंदर या फिर वर्किंग फेस से गोप के 50 मीटर के अंदर इस सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी दो सौ सत्तर मीटर के अंदर आपको किसी फेस या दो गोफ के दो सत्तर मीटर के अंदर आपको जितने भी उपकरण आप इस्तेमाल करेंगे सभी उपकरण फ्लेम प्रूफ इंक्लोजर में होने चाहिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अट्ठारह है इस सवाल में पूछा गया है द वोल्टेज यूज फॉर सिग्नलिंग सर्किट शुड नॉट एक् जो वोल्टेज इस्तेमाल होता है सिग्नल देने वाले सर्किट्स में उनका वोल्टेज कितना से ज्यादा नहीं होना चाहिए एक सौ पच्चीस वोल्ट ढाई सौ वोल्ट तीस वोल्ट या पचास वोल्ट सवाल का सही उत्तर होगा तीस वोल्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक लाइटिंग इन ओपन कास्ट माइंस मस्ट नॉट एक्सीड जो इलेक्ट्रिक लाइटिंग इस्तेमाल होती है ओपन कास्ट माइंस में उसमें वोल्टेज कितना से ज्यादा नहीं होना चाहिए 125, 250, 30 या फिर छह इस सवाल का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी ढाई क्योंकि ये ओपन कास्ट के लिए लाइटिंग के बारे में पूछा गया अंडरग्राउंड का लाइटिंग होता तो आंसर क्या होता है ओपन कास्ट का लाइटिंग क्या है ढाई ये आपको याद रख लेना है अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन है कि अर्थ फॉल शुड नॉट बी मोर देन डैश इन इंस्टॉलेशन ऑफ वोल्टेज वोल्ट एंड अप डॉन ऑफ्टेवन हंड्रेड माइंस यहां पे बोला गया है कि अगर ठीक है आपका जो इंस्टॉलेशन है जो भी इलेक्ट्रिकल मशीन है उसमें कितना उसमें जो है वोल्टेज जो है ढाई से ज्यादा हो लेकिन ग्यारह वोल्ट से ज्यादा नहीं है तो वैसे इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में जो अर्थ फॉल्ट करंट होगा वो मैक्सिमम कितना हो सकता है तो इस सवाल का जो सही उत्तर है वो क्या है इस सवाल का सही उत्तर होगा 750 मिली पचास इसे मिलता जुलता सवाल हमने डिस्कस किया था कौन से क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहां पर था ये वाला सवाल में फॉल्ट करंट हाँ ये कि अगर ग्यारह के तक है ठीक है ग्यारह के तक है तो हमको इस्तेमाल कितना करना है पचास एम ठीक है यानी ग्यारह से अगर ज़्यादा हो गया और ये ग्यारह के भी तक चला गया ग्यारह सौ वोल्ट से ज़्यादा लेकिन ग्यारह के भी तक तो हमारा जो फॉल्ट क्रेंट होगा वो कितना होगा पचास एम लेकिन ढाई सौ वोल्ट से ज़्यादा हो गया वोल्टेज और ग्यारह सौ जो है वोल्टेज तक गया है ग्यारह सौ वोल्ट तक गया है तो फॉल्ट क्रेंट कितना है सात सौ पचास मिली एम ये आपको याद रखना है तो कौन सा क्वेश्चन हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी हमारा कंप्लीट हो गया

इस सवाल का सही उत्तर उत्तरेंस होगा बिटवीन द टॉप ऑफ डंपर बॉडी वेन रेस्ड एंड द लोवेस्ट कंडक्टर ऑफ ओवर हेड लाइन मस्ट नॉट लेस बोला गया कि अगर ओवर हेड लाइन है इस तरह का अगर ओवर हेड लाइन है और यहाँ पर इस्तेमाल होता है डम्पर तो जब डम्पर जो है रेस्ट पोजीशन पे हो इस तरह का बकेट जो है उठा हुआ पोजीशन पे हो तो ओवरहेड लाइन और इस उठे हुए जो डम्पर का जो बॉडी है ठीक है बट बॉडी जो उठा हुआ है इसके बीच में गैप कम से कम कितना होना चाहिए इस तो सवाल का जो सही उत्तर है वो है एक मीटर ये आपको याद होना चाहिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अगला सवाल है द कंडक्टेंस ऑफ ईच स्क्रीन इन सेपरेटली स्क्रीन फ्लेक्सीबल केबल मस्ट बेटलीस्ट डैश बोला गया कि फ्लेक्सिबल केबल है जिसमें जो सेपरेटली स्क्रीनड है तो हर स्क्रीन की जो कंडक्टेंस uh, है वो कितना होना चाहिए दस परसेंट ऑफ द पार कंडक्टर पच्चीस पार कंडक्टर फिफ्टी परसेंट ऑफ द पार कंडक्टर या फिर सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ द पार कंडक्टर इस सवाल का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द पार कंडक्टर कंडक्टेंस क्या होता है इनवर्स ऑफ रजिस्टेंस इज कॉल्ड एज कंडक्टेंस ठीक है जो इनवर्स होता है ना इसी को हम लोग बोलते हैं कंडक्टेंस कंडक्टेंस का जो ऐसा यूनिट होता है वो सीमेंस होता है ठीक है अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर में पूछा गया द सर्किट वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिक इंटरलॉकिंग और रिमोट कंट्रोल सिस्टम फॉर बिलो ग्राउंड माइंस मस्ट नॉट एक्सीड जो सर्किट वोल्टेज होगा इलेक्ट्रिक इंटरलॉकिंग का या रिमोट कंट्रोल सिस्टम का जो भूमिगत खदान में इस्तेमाल होते हैं उसमें सर्किट वोल्टेज मैक्सिमम कितना हो सकता है ढाई सौ वोल्ट एक सौ पच्चीस वोल्ट तीस वोल्ट या साढ़े पांच सौ वोल्ट इस सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी तीस वोल्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर पच्चीस बोला गया है कि जो हरीजेंटल डिस्टेंस है बिटवीन टू और जो हरीजेंटल डिस्टेंस है ठीक है किस चीज़ के बीच में दो और सपोर्टिंग पॉइंट्स दो सपोर्टिंग पॉइंट्स हैं बगल के इसमें क्या होता है कि जो ओवरहेड हेड कंडक्टर है वो सपोर्ट होता है तो ये क्या है? ये सपोर्टिंग पॉइंट्स है सपोर्टिंग पॉइंट वन सपोर्टिंग पॉइंट टू इधर भी होगा तो दो बगल के जो सपोर्टिंग पॉइंट्स हैं इनके बीच का जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है इसे क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है स्पैन सी तर क्या होगा ऑप्शन नंबर बीस स्पैन चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर छब्बीस हाई वोल्टेज डायरे एच बी डिफाइंड एज डायरेक्ट करेंट वोल्टेज ऑफ डैश बोला एच बी डी सी यानी हाई वोल्टेज करेंट का डेफिनेशन क्या है ऐसा डायरेक्ट वोल्टेज का ऐसा डायरेक्ट करंट वोल्टेज जिसका वोल्टेज कितना से ज्यादा हो या कितना हो तो इसका जो सही उत्तर है वह है सौ के भी या उससे ज्यादा सौ के भी या उससे ज्यादा का जो भी डायरेक्ट करेंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे एच वी डी सी ये आपको याद होना चाहिए अगले सवाल में आते हैं अगला सवाल है द मिनिमम ग्राउंड फॉर अक्रॉस वेयर आर ऑपरेटेड मस्ट बी बोला गया कि, कि एक ऐसा रास्ता जहां पर डम्पर चलता हो अगर वहां पर आप ओवर लाइन दिए हैं तो जमीन से इसकी दूरी कितनी होनी चाहिए तो इसकी एंस, इसका आंसर है बारह मीटर अगले सवाल की तरफ आते हैं क्वेश्चन नंबर अट्ठाइस की तरफ ऑल सिग्नलिंग टेलीकोमिकेशन एंड रिमोट कंट्रोल सर्किट्स इन माइंड मस्ट बी फ्लेम वोल्ट जितने भी सिग्नलिंग है टेलीकोमिकेशन है रिमोट कंट्रोल सर्किट्स जो भूमिगत भाग में इस्तेमाल होता है वो सभी के सभी कैसे होते हैं वो इंट्रेजिकली सेफ होते हैं अगले साल की तरफ बढ़ते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर द एनुअल रिपोर्ट टू द इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर मस्ट बी सबमिटेड टिल जो एनुअल रिपोर्ट होता है सी आर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री के अकॉर्डिंग वो इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को कब तक भेज देना है तो इस सवाल का जो सही उत्तर है वो है फर्स्ट पहले हम लोग पिछले साल का जो इलेक्ट्रिकल का जो एनुअल रिपोर्ट होता है उसको हम भेज देते हैं अगले सवाल की तरफ आते हैं क्वेश्चन नंबर तीस द सर्किट वोल्टेज फॉर रिमोट कंट्रोल ऑपरेटर्स इन माइसिस को तो हम लोग रिपीट ही कर चुके हैं रिमोट कंट्रोल ऑपरेटर्स में जो सर्किट वोल्टेज होगा वो तीस वोल्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी

यूज़ सिस्टम सिस्टम का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर भी होगा। उस एरिया में जितने भी ऑपरेटर्स हैं केबल्स हैं उनका जो एनर्जी सप्लाई है उसको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा ज्वलनशील गैस वन पॉइंट से ज्यादा हो जाता है किसी खदान के जनरल बॉडी अफेयर में अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर बत्तीस है ज ढाई सौ वोल्ट से ज्यादा हो तो वैसे फ्लैक् केबल ठीक है जो में जाएंगे, तो उन फ्लेक्सिबल केबल में क्या किया जाएगा प्लाइबल आर्मरिंग की जाएगी इंसुलेटेड मटेरियल से सिर्फ किया जाएगा कोई स्क्रीन नहीं करना है या रबर कोटिंग करना तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर है प्लाइबल आर्मरिंग करना पड़ेगा इसके अलावा ये आंसर तो हम इस क्वेश्चन तो रिपीट हो गया इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अगले साल की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर थर्टी फोर में बोला गया है कि द मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अर्थ कंडक्टर इन फ्लेक्सिबल केबल यूज विदेबल एपरेटर्स वेदेजी फाइव नॉट बी लेस देन दैट ऑफ बोला गया है कि कोई ऐसा फ्लेक्सिबल केबल है ठीक है जो किसी पोर्टेबल एपरेटर्स के साथ यूज हो रहा है और इसमें जो वोल्टेज आ रही है वो एक सौ पच्चीस वोल्ट से ज्यादा नहीं जा रही है तो इसके लिए जो हम लोग इस अर्थ कंडक्टर इसमें इस्तेमाल करेंगे ना फ्लेक्सिबल फ्यूबल में अर्थ कंडक्टर ठीक है अर्थिंग के लिए कंडक्टर इस्तेमाल करेंगे इस अर्थ कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होना चाहिए वो कितना होना चाहिए मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया तो यहाँ पे इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा जो लार्जेस्ट लाइव कंडक्टर है ना उसका क्रॉस सेक्शन एरिया के कम से कम वो बराबर होना चाहिए अर्थ कंडक्टर का अर्थ कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया ये आपको याद रख लेना ना हाफ होना चाहिए ना उसका डबल होना चाहिए ना उससे कम होना चाहिए उसके बराबर कम से कम होना चाहिए ये आपको याद रखना है अगला सवाल है कि जो मैक्सिमम लेंथ है फ्लेक्सिबल केबल की अगर आप इस्तेमाल करते हैं किसी पोर्टेबल या ट्रांसपोर्टेबल के साथ वो कितनी हो सकती है या आंसर क्या होगा पैंतीस का ऑप्शन नंबर ए होगा हंड्रेड ठीक है आप किसी फ्लेक्सीबल केबल किसी पोर्टेबल या ट्रांसपोर्टेबल एपर्ट्स के साथ फ्लेक्सीबल केबल इस्तेमाल करते हैं तो उसकी मैक्सिमम लेंथ सौ मीटर होगी चलिए अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ ये क्वेश्चन तो रिपीट ही हो गया है इसको स्किप करते हैं अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन यहाँ पूछा गया है कि जो ओपन कास्ट माइस में यूज होने वाले जो एच एम एम है जो इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होते हैं उनमें इस्तेमाल होने वाला जो फ्लेक्सिबल केबल है उसकी अधिकतम लंबाई क्या हो सकती है हजार मीटर ढाई सौ छह सौ या फिर बारह सौ तो इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सॉरी ऑप्शन नंबर सी छह सौ मीटर ठीक है एच एम एम में जो फ्लेक्सिबल केबल इस्तेमाल होगा उसका मैक्सिमम ले सौ मीटर हो सकता है बकरी ट्यूबलेक्स का जो ग्यारह के पे ऑपरेट होता है उसके लिए आप एक मीटर तक कर सकते हैं बाकी सभी एच एम एम जो इस्तेमाल होंगे मैक्सिमम जो फ्लेक्सीबल केबल का लेंथ होगा वो छह मीटर होगा अगला सवाल है तो वोल्टेज यूज फॉर हॉलेज ठीक है बाय इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव यूजिंग ओवरहेड ट्रॉली वायर सिस्टम मस्ट नॉट एक्सीड बोला गया कि अगर इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव आप इस्तेमाल करते हैं उससे अगर आप हॉलेज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से

माइन इंजीनियर से वर्बल सहमति और ऑप्शन नंबर सी है इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर ऑफ माइन से रिटर्न परमिशन या माइन ऑनर से रिटर्न परमिशन सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर ऑफ माइन से रिटर्न परमिशन चाहिए होगा अगर आप जो है इलेक्ट्रिक स्टोरेज बैटरी लोकोमोटिव इस्तेमाल करते हैं फॉर हॉलेज इन अंडरग्राउंड माइन यहाँ पे होगा तब के केस में इसके अलावा बोला गया कि ये तो क्वेश्चन हमने रिपीट करे या दोबारा ये रिपीट हो गया अगला यहाँ पे सवाल है ठीक है अगला सवाल यहाँ पे जो कि लास्ट सवाल है कि ब्लू ऑन माइंस में जो इलेक्ट्रिक लाइटिंग होता है उसमें मैक्सिमम वोल्टेज कितना हो सकता है वोल्टेज लिमिट क्या है तो सवाल का सही उत्तर क्या है ऑप्शन नंबर सी एक सौ पच्चीस वोल्ट तो ये हो गया आज का कम्प्लीट वीडियो ऑन सी के ऊपर एम ये एम अगर आप पढ़ लेते हैं तो मैक्सिमम चांसेस है कि जो भी सवाल अगर आप अपीयर होने रहे से सेकेंड क्लास या फर्स्ट क्लास में मैजर एग्जामिनेशन में तो मैक्सिमम चांसेस है कि यही क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं इस एग्जामिनेशन में तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही रिलेटेड वीडियोज आपको टाइमली मिलते रहे हमें हमारे सोशल मीडिया में फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें मिलते एक और ऐसे वीडियो में टिल देन ऑलवेज जय हिंद जय भारत